नमस्कार बंधुगण, बबि सुधांशु ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज पुरी अवस्थित एक मठ माता मठ विषय मोर आज ब्लॉग श्री गौर विहार आश्रम पुरी आप तार वेलकम गेट देखि पाछन्ती जो प्रवेश गेट आप गेट प्रवेश करेंगे। सम्मुख भाग में प्रभु श्री गणपति गोटे मूर्ति अच्छी एटे सका सात रु बारटा तीस जाए व्यवस्था अच्छी। तापर दिन तीन टू संध्या पांचटा जाए आप दर्शक मान दर्शक दर्शन करें। ये गणपति पछापटे टिकेट काउंटरटे कर दस टाँचा टिकेट एवं लगुच आपण को चपल टी बाहर रखा पड़े। चपल स्टाण अच्छे ये देखते ये चैतन्यदेव गोटे प्रतिमूर्ति रही काच द्वारा आबद्ध कर एठी वृंदावन जेपरी व्यवस्था अच्छी से भाया कृष्ण लीलार व्यवस्था करा जाई। कृष्ण राधाकर मूर्ति गुड़िक रही से सब ये देखु आंगुठी से गोवर्धन धरी कृष्ण गोटे ये श्री जगन्नाथ अनन्य प्रतिमूर्ति शोभा पाँच ये कोणार्क चक शोभा पाँच आप हाथी प्रतिमूर्ति शोभा पाँच ये कांथ बाड़े जो पाचेर निर्माण कराचेर प्रभु श्रीकृष्ण लीला को नहीं लीला सम्बलित चित्र मन स्थान पाई पाचेर आपण मैंने देखुं यहाँ भविष्य में ये गेटे गोटे गेट हम प्रवेश गेट गोटे प्रस्थान गेट जो गेट कर व्यवस्था हम तेणु ये गोटे गेट रही एपटे तोरण कर गोटे बहुत उच्चकोटीर रथ अच्छी सूर्य रथ कई कई यूट्यूबर एक अर्जुन श्रीकृष्ण बोली कहते हैं ये सी अर्जुन श्रीकृष्ण नुहत ये जे बस सूर्यदेव बस देखूँ चारिटा हाथ अच्छे अर्जुन कौन सी इे चारिटा हाथर दृश्य ना भगवान सूर्यदेव ये बस सूर्य रथ सूर्य रथ सूर्यदेव अच्छा सूर्य मान चारिट सूर्यदेव गोटे अनन्य प्रतिमा तर जे सारथी सी रथ चलाउंट अरुण सी होती गरुड़ खान भाई सी रथ चला अशु मान एटी राधाकृष्ण जुगल मूर्ति किसी गोपी मैंने आपण मैंने देखिए ये अनन्य परिवेश वृक्ष राजी भितर परिवेश पुरीर वृंदावन कहपर पुरी रे वृंदावन ये सब ऋषि मान दि जा विभिन्न चित्र ये पंचमुखी हनुमान गोटे प्रतिमूर्ति अच्छी ये आप देखु चैतन्य और नित्यानंद श्री नित्यानंद श्री चैतन्य श्री नित्यानंद मूर्ति अच्छी। ये लोक मैंने सेल्फी बोलते नौ फोटो उठाऊ हनुमान गोटे विराट प्रतिमूर्ति लगी हनुमान सम्मुखें श्रीराम प्रभु श्रीराम नयमान अच्छा ये सैन्य गोटे सैन्य आधुनिक सैन्य गोटे प्रतिमूर्ति बसई सब लता गुड़म आच्छादित अच्छे ये माँ माँ लक्ष्मी गोटे प्रतिमूर्ति बस विभिन्न प्रतिमूर्ति बस ये आपण जिते आमर अच्छा ये आप देखते गोटे मंदिर टे अच्छी मंदिर गोटे पार्श्व देवता चित्र देखते भगवान नरसिंह हिरण्य विदार कर दृश्यटी पार्श्व देवता लगी मंदिर टी बंद था ये अच्छी गोटे देवी प्रतिमूर्ति सब ये कर देवी मान प्रतिमूर्ति ये देखु कृष्ण वस्त्रहरण चित्रटा गोपी मान वस्त्रहरण चित्रटा रही संबल चित्र ये सब आम आस्ते आस्ते जा चैतन्य तो कृष्ण गोटे ये रही से जे चैतन्य से कृष्ण से भाया गोटे प्रतिष्ठित करतिमूर्ति तापर बहु भक्त दर्शन करुछंदी चैतन्य प्रभु चैतन्य विराट प्रतिमूर्ति
ए भलिया प्रतिमूर्ति भारत वर्ष कोठ थाई परे हम तो थे क्लेम कर पारानी कि ओडिशा रे निश्चित ए भलिया चैतन्य मूर्ति कोठी नाही। तापर जते चैतन्य को अनुगामी थिले से मानकर सब ओडी ओडी कुडिया से जो रहुथिले सेटा देखा जाई सबटी श्री राधे लिखा जाई आ से मानकर प्रतिमूर्ति टी लगा जाई तंकर जे अनुगामी थिले प्रमुख अनुगामी मानकर ओडी ओडी चित्र लगी ए प्रभु कूड़िया पाखे सम्मुखे दंडा मेरा अच्छा लोक मैंने सेल्फी नौ बढ़िया सुंदर जगह परिवेश मनोरम दृश्य मैंने आपने देखे विभोर हो निजर सबकि भूली प्रभु चिंतार आपन निमग्न रे प्रभु श्रीकृष्ण प्रभु भगवान श्रीकृष्ण लीला संबलित दृश्य सब रही जो सब कुछ जिते चैतन्य जो अनुगामी समस्त गोटे गोटे रही गोटे बासगृहटी कर मूर्ति गृह लगे आप देखुं प्रभु जगन्नाथ गोटे प्रतिमूर्ति रही जगन्नाथ बलभद्रा प्रतिमूर्ति लगी एपटे आउ जे चैतन्य अनुगामी मत फटो मूर्ति बसी आगे कोटे कोटीर आगे से सब आपरे देखिले सूर्यरथ देखिले जगन्नाथ अन्य प्रतिमूर्ति देखिले और चैतन्य सर्व ओडिशा जो सर्वबृहत प्रतिमूर्ति ये आप देखते चैतन्य ओडिशा सर्वबृहत प्रतिमूर्ति भारत में हम तो यह प्रतिमूर्ति थपे मुझे क्लेम किसी करूना कि ओडिशा एमती बड़ प्रतिमूर्ति कौटी ना चैतन्य देव सब बड़ प्रतिमूर्ति आपठ दर्शन करेंगे ये आप गोटे बस गोटे ईपर बसाई पा रखी मैंने सुंदर भाव फूल गच लगी गच लगी कालिया दलन कर भगवान श्रीकृष्ण कालिया दलन कर चित्र लगी आपण मैंने देखिए ये छोटे छोटे गोटे गोटे प्रतिमूर्ति बसा जा प्रभुंर भक्ति सम्मिलित भक्ति भाव आपण विलीन हो जाए निजक ये प्रभु रामेश्वर गोटे स्थापन कर लिंग स्थापन ये जगन्नाथ अन्य प्रतिमूर्ति आउ थ भी देखु ये देखु जिते शंकराचार्य अच्छा सब शंकराचार्य प्रतिमूर्ति बसा जगद्गुरु जगद्गुरु शंकराचार्य पूर्व शंकराचार्य मानकर समस्ती प्रतिमूर्ति बसी पछपटा ठीक जगद्गुरु पछपट रही समुद्र मंथन दृश्य गोटेपट असुर गोटेपट देवता मैंने मंथन करुद्र मंथन करमेश्वर कही देखु प्रभु रामेश्वर गोटे शिवलिंग पूजित होमेश्वर जे दक्षिणात्यर प्रसिद्ध ठाकुर रामेश्वर ये आप देखिए तापर गोटे आपण मानी नड़िया गच अन्य गच सब रही माता सरस्वती गोटे अन्य प्रतिमा रही आपण निश्चित माता सरस्वती मयूर बसी सरस्वती ये आपण ये माता सरस्वती देखिए आपण भक्ति नवेद अर्पण करें देखु प्रभु चैतन्य प्रतिमूर्ति ये लोक मैंने सेल्फी ने प्रभु चैतन्य प्रतिमूर्ति से प्रभु चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रतिमूर्ति से सेल्फी लोक ने सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जे देखु आपत थर या देखिए सेत थर आप नुआ भाई लगे आप देखु निश्चिंत ब्लॉग टी आप आरंभ शेष जाए देखु एवं ब्लॉग को लाइक ये देखो माता कामधेनु कामधेनु पाखे कामधेनु देह सब देवता मैंने कामधेनु देह बसित अच्छा गोमाता देह सब देवता मैंने अच्छा माता कामधेनु चित्र रही गोटे मंदिर रही बंद रही मत कंस्ट्रक्शन काम चली अनगोइंग अच्छी विभिन्न काम चली सब कम सरीगला ये मठटी आहुरी सुंदर देखा
ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଦେଖେଇବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦୃଶ୍ୟ ଏପଟେ ଅସୁରମାନେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦେବତାମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାରଗିରି ପର୍ବତକୁ ଇଏ କରି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋମାତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବିକଳ ଗୋମାତା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଜୀବନ୍ତ ଗୋମାତା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଜଣେ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ମାତାମଠ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନୌକା ବିହାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ମାତାମଠ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍, ପୁରୀ ଟାଉନ୍ରୁ ଆପଣ ଆସିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠୁ ଆପଣ ମେରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ବତୀଘର ଯାଇ ଆସି ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବେ, ସିଧା ଆସିବେ 200-300 ମିଟର ଆସିବା ପରେ ସେଠୁ ଆପଣ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ନାଲି କଚା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଗୌରବିହାର ଆଶ୍ରମ ମାତାମଠ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବସୁଦେବ କେମିତି ଟୋକେଇବା କୁଲାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଉଥିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏଠି ରହିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଠେକୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମଠ ତରଫରୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଉଛି, ମୃଗମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସାରେ ଲଗା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାଲୁର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଲାଗିଛି, ବାଘର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଲାଗିଛି, ହାତୀର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏ ମାତାମଠ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ସବୁ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଯେ ମାତାମଠ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ପୁରୀର ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୀ ଆସିଲେ ମାତାମଠ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।